हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एलसीडी डिस्प्ले के बारे में। देखेंगे हम लोग इसके टाइप्स को, इसके पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद जो इसमें मेन रजिस्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और एट लास्ट इसके बेसिक जो कमांड्स होती हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलसीडी का मतलब यहाँ पर होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी स्क्रीन बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस होती है। अगर इसके एप्लीकेशंस की आप लोग बात करेंगे तो एम्बेडेड डिवाइसेस में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स में आप लोगों को एलसीडी यूज करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने कुछ चीज डिस्प्ले करवानी है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग वाइडली इसको यूज करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों का एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें आप लोग अपने कैरेक्टर्स या अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एलसीडीज की, तो आप लोगों की बेसिकली दो टाइप्स की एलसीडीज हो सकती हैं। एक है आप लोगों का अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक एलसीडीज में हम लोग अल्फाबेट से फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद सेकेंडली आप लोगों के पास यहाँ पर ग्राफिकल या फिर कस्टमाइज्ड एलसीडी है जिसके थ्रू आप लोग पिक्चर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों के पास एक कस्टमाइज्ड एलसीडी है जिसमें आप लोग डिफरेंट आइकन्स यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ अल्फान्यूमेरिक एलसीडी के बारे में बात करने वाले हैं। अल्फान्यूमेरिक एलसीडीज यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल हो सकती है, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आपका 16:2 एलसीडी है, 32:2 एलसीडी है, 16:4 एलसीडी है, या फिर 32:4 एलसीडीज हैं। तो बेसिकली इनका मतलब यह है, देखिए 16:2 दैट मीन्स 32 ब्लॉक्स उसमें होंगे। इसका मतलब यह है कि आप 32 कैरेक्टर्स उसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिमिलरली 32:2 में 64 ब्लॉक्स होंगे, 16:4 में भी आपके 64 ब्लॉक्स होंगे, और 32:4 में 128 ब्लॉक्स होंगे, मतलब 122 कैरेक्टर्स आप इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 16:2 एलसीडी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके पिन डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 16:2 एलसीडी जो आप लोगों के पास होगी उसमें आपकी टोटल 16 पिन होंगी। सबसे पहला जो आप लोगों का पिन है वो आपका VSS है, दैट मीन्स आपने इसको ग्राउंड करना है। उसके बाद आप लोगों का जो सेकेंड पिन है वो आपका VCC है, दैट इज 5 वोल्ट आप इसमें देंगे। उसके बाद ये जो आप लोगों का VEE है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट कंट्रोलिंग के लिए होता है। मतलब जो भी कैरेक्टर आप लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। ये हम लोगों के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा जिसमें आप लोग इसको पॉजिटिव देंगे और इसको आप लोग ग्राउंड करेंगे। और जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जहाँ पर जो कैरेक्टर है उसकी इंटेंसिटी या कॉन्ट्रास्ट जो होगा वो अप एंड डाउन होगा। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर RS, RW और इनेबल पिन है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर ये देख लेते हैं। D0 to D7 आप लोगों की जो ये पिन है यहाँ से आप लोगों का डेटा ट्रांसमिशन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं LED पॉजिटिव और LED नेगेटिव है। ये बेसिकली आप लोगों के LCD डिस्प्ले को लाइट देने के लिए होता है। मतलब कि अगर आप लोगों ने इसमें लाइट ऑन करनी है तो आपने अपना जो LED नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड करना पड़ेगा, और आपका LED पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है इसको आप लोगों ने VCC देना पड़ेगा, दैट इज 5 वोल्ट देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं RS, RW और इनेबल पिन का काम। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, LCD डिस्प्ले में बेसिकली दो टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। पहला आप लोगों का कमांड रजिस्टर है और दूसरा आप लोगों का डेटा रजिस्टर है। आप लोगों का कमांड रजिस्टर क्या है, जो भी कमांड आप लोग भेजेंगे वो कमांड रजिस्टर में स्टोर होगी, और जो भी डेटा आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है वो आप लोग जो भेजते हैं वो डेटा रजिस्टर में जाके स्टोर होती है। तो RS पिन का यहाँ पर काम है आपके रजिस्टर को सेलेक्ट करना। अगर आप लोग RS की वैल्यू 0 देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी डेटा आएगा वो आपका कमांड रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने RS की वैल्यू 1 की है तो वो आप लोगों का जो भी डेटा होगा वो डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों का RW पिन बेसिकली होती है आप लोगों के ऑपरेशन के लिए। अगर आप लोग RW की वैल्यू 0 लिखेंगे दैट मीन्स आप रीड ऑपरेशन करेंगे, और आप अगर RW की वैल्यू 1 करेंगे दैट मीन्स राइट ऑपरेशन करेंगे। तो आप लोगों का जो LCD डिस्प्ले है वो सिर्फ रीड करता है, राइट कुछ भी वैल्यू नहीं करता है। मतलब कि RW हमेशा आपका 0 रहेगा,
इसमें कोई राइट ऑपरेशन नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोगों के पास इनेबल पिन है। किसी भी डेटा या कमांड की एग्जीक्यूशन के लिए आप लोगों ने एक पल्स देनी पड़ेगी जो कि 1 से 0 जाएगी। तो यही काम आप लोग बेसिकली इनेबल पिन में करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की जो एलसीडी में यूज होती है। देखिए, एलसीडी डिस्प्ले 2 मोड में काम करती है, 8-bit mode और 4-bit mode। 8-bit mode में आप लोगों की 8 bits एक बार में ट्रांसमिट हो सकती है, जबकि 4-bit में आप लोगों के 4 bits से ट्रांसमिशन करेंगी। तो अपने एलसीडी को यही चीज बताने के लिए कि कौन सा मोड आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर क्या चीज आप लोगों ने बेसिकली अपने एलसीडी में दिखानी है, आप लोग कमांड्स का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने 8-bit mode यूज करना है तो आप लोग यहाँ पर 38 नाम की कमांड भेजेंगे। सिमिलरली अगर आपको 4-bit mode यूज करना है तो 28 आप लोग यहां से ट्रांसमिट करेंगे। अगर आप 0E भेजेंगे तो आप लोगों की एलसीडी ऑन हो जाएगी और उसका कर्सर ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन है उसमें जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए तो आप लोग 0-1 ट्रांसमिट करेंगे। इसके बाद अगर आप लोग कोई भी डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी पोजिशन बतानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 16x2 में आप लोगों के 32 ब्लॉक्स होते हैं। तो 32 ब्लॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। देखिए, 8 0 to 8 F आप लोगों का यहाँ पर जाएगा, सिमिलरली C0 से C F तक आप लोगों का ये जाएगा। अब सपोज करते हैं आप लोगों ने अगर A डिस्प्ले करवाना है तो ये A एग्जैक्टली आप लोगों ने कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, सबसे पहले आप लोगों ने वो चीज़ यहाँ पर कमांड के थ्रू बतानी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसमिट करेंगे जो भी आप लोगों ने उस पोजीशन में डिस्प्ले करवाना है। और सिमिलरली अगर आप लोग सेकंड नंबर इस वाले में कहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना यहां पर कमांड भेजेंगे। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट्स आप लोगों के हैं तो आप लोग कमेंट लाइन में मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे 16x2 LCD को हम लोग इंटरफेस करते हैं Atmega 8 के साथ 8-bit mode में। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।